अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज ये व्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये मैं 3:30 बजे से कर रही हूँ, इसलिए कि ज़्यादा तो हमें कुछ बनाना ही नहीं था, सिर्फ अंडे फ्राई करने थे और हमें रोटी फ्राई करनी थी, और वो भी आज मुझे नहीं, आज मेरी बेटी ने पूरी सहरी बनाई थी माशाल्लाह से, और ये दोनों ही मिलके कर रही थी। तो आज मेरी छुट्टी थी, वैसे ही लोग कर लेती हैं, दोनों कर लेती हैं, मगर मैं चूल्हे पर ज़्यादातर तो खुद काम करती हूँ। अच्छा ना, इंसान एक्टिव रहता है कि खुद काम करे। और फिर ये है कि अब ये है ना, रोटी फ्राई कर रही थी, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे आजकल पराठे नहीं खा रहे हम लोग, तो अब ये अंडा फ्राई करेंगी और एक कोई ऑमलेट, कबाब और ऑमलेट वगैरह पता नहीं कौन सा ये मिक्स करके बनाएगी, अपने दिल चाह रहा था। इसलिए कि चेंज तो होना चाहिए ना, कि अब यही है कि एक जैसे ऑमलेट खा खा के दिल भर जाता है। सालन वगैरह ना हम लोग खुद ही नहीं ले रहे, कि दिल नहीं चाहता है क्या कहते हैं ना, सालन वगैरह खाने का। और फिर वही होता है, एक तो रोटी फ्राई होती है या पराठे होते हैं तो फिर है ना, क्या कहते हैं, बहुत हैवी हो जाता है। और आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के भी रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो अब ये देखें ये कौन से स्टाइल का अंडा बन रहा है, इसलिए मैं तो सिर्फ देख रही थी। और आज तो मेरे आगे दस्तरखान बिछा था और मुझे नहीं पता कि कौन से स्टाइल का अंडा है ये बस मेरे स्टाइल का है, वर्दा स्टाइल का। अच्छा, ये वर्दा स्टाइल का अंडा है और ये मुझे नहीं पता ये वर्दा स्टाइल का अंडा है, यानी कि पता नहीं इसने ये क्या करे मेरी तो खुद समझ। चलो, कबाब अगर बनाते हैं तो हम उसको डीप करके और अंडे में हम कबाब बना लेते हैं। ये देखें, इसने पता नहीं कौन सा स्टाइल का अंडा बनाया था, मैं सिर्फ देख ही रही थी। जब मैं देखा ना तो मैंने कहा ये कौन से स्टाइल का है, तो कह रही है वर्दा स्टाइल का है। मेरे तो खुद समझ में नहीं आता, मगर बना हुआ अच्छा था और ये फ्राई रोटी से तो बहुत अच्छा लग बना था। ये तुमने कहाँ कहाँ से देखी थी ये वाली रेसिपी? अपनी रेसिपी है, मेरी अपनी रेसिपी। अच्छा, है। इसकी ये अपनी रेसिपी है, वर्दा खान की। अच्छा, वर्दा खान की अपनी रेसिपी है, सही है। और आज तो मैंने बैठ कर ही खाया है भाई, और बड़ा मज़ा आता है जब बैठ कर खाओ। तो ये है कि क्या कहते हैं, आगे दस हमको भी ऐसे ही मज़ा आता है, दस्तरखान हमारे आगे लगता है, दस्तरखान मेरे आगे लगा, कितना मज़ा आया। और ये है कि कह रही है हमें भी बड़ा मज़ा आता है। तो अब ये देखें, अब ये दूसरी बेटी को उसको ये वाला कबाब चाहिए था खाने उसको के, उसको हम तंग नहीं कर रहे इसलिए क्योंकि उसकी बर्थडे आने वाली ना, तो हम किसी को तंग नहीं करते। मैंने बोला उसको तंग नहीं करो, उसको जो चाहिए हम बना के देते हैं। तो ये वो उसका भी ना ये खुद ही कर रही थी, हम दोनों ही खड़े हुए थे मगर काम ये कर रही थी, फिर मैं आकर बैठ गई थी। तो फिर खुद ही ने दस्तखान, अभी हमारी ये देखें चाय भी खुद ही रेडी। अच्छा, ये इलायची वाली खुद ही नहीं, मैंने बनाई थी। हाँ, इलायची वाली। ओह माय गॉड, मैं चाय पीती नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पठान के होटल की पीती हूँ। और मेरा इलायची वाली चाय बहुत पीने का दिल चाहता, वरना मैं पीती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ चाय। मुझे घर से हो जाता है कि मैं नहीं पीती चाय। और ये हमारी सहरी रेडी हो चुकी है, और बल्कि इसने ये बना लिया था मगर खाया इसने, अंडा इतना नहीं था। हाँ, वो भी बच गया था। और इसलिए आपको तो पता है कि अगर इसको ब्रेड या ये चीज़ नज़र आ जाए, बन खाया था मैंने आज इसने, हाँ ये बन खाया था। और ये देख लिया होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि ये टब जो था मक्खन का, ये बिल्कुल एंड कर दी है, ख़त्म, बल्कि एंड भी क्या करा है कि 15 दिन भी नहीं हुआ ना। नहीं, और ये देखें, और जिस जिसको सैरी करनी है आ जाएँ। और ये देखिए पूरा भी मैं एंड में दिखाऊँगी, ऐसा लगाती है ना ये मस्का, यानी कि जो मस्का बन जो आता है बाहर से, खूब बन पे लगा लगा के खूब कहती है जब तक मक्खन क्या मैं बोल रही, जब तक भर भर के अच्छा सा खूबसूरत सा टाइट सी लेयर्स नहीं लगे मक्खन की 2-3, तो मज़ा तो ही आता है। ये जब तक इसको खूब ना अच्छा सा नहीं लगाती ना ये, तो इसको ना क्या कहते हैं, मम्मा तो छुपा देती हैं मम्मा छुपा देती हैं। मैं पप्पा को शिकायत कर रही थी, पप्पा बोलते मेरी बच्ची को दो, मेरी बच्ची को दो। मगर आप लोग बताएं कि ये मक्खन कितना नुकसानदेह होता है। और ये देखिए, ये कुरान शरीफ पढ़ रही थी तो थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी। और ये है हमारा अफ्तारी का टाइम, अब आ गया ये दूसरे दिन का शाम का। और फिर हमने आज बिरयानी, और ये थोड़ी सी थी अफ्तारी हमारी आई हुई थी, हमने हलीम और बिरयानी वगैरह मंगवा लिया था। और हाँ, तो ये भी बज गई थी। अगर हमारा मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन पर क्लिक करा करें, और क्या क्या शेयर भी कर दिया करें, सब कुछ कर दिया करें। और बाय बाय,
अल्लाह हाफिज। और अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद नहीं आता है ना तो जब भी करा करें, ठीक है। और ये हमारी एंड में चाय आ गई है, अल्लाह हाफिज़। चाय के साथ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।